हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है रश्मि चौधरी ब्लॉग्स में। और आज का वीडियो हम शूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज तो हम करेंगे, अभी एक्सरसाइज थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ मैं बात करना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के साथ हमें डाइट भी फॉलो करना है। अगर हम डाइट फॉलो नहीं करेंगे प्रॉपर, तो हमारा वेट नहीं जाएगा। हमें डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज के साथ डाइट भी फॉलो करना है। तो हम अगर दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो हमारा वेट ज़रूर लूज़ होगा। अभी मेरा तो अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा लूज़ हुआ है, धीरे धीरे होगा लूज़ अगर मैं करूँगी कोशिश। अगर साथ के साथ डेली रूटीन में फॉलो करती रहूँगी, अपना एक्सरसाइज रूटीन में लेती करती रहूँगी, डाइट फॉलो करती रहूँगी, तो मेरा वेट ज़रूर जाएगा। और मेरा जा सकता है तो आप सबका भी जा सकता है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, डाइट भी फॉलो करूँगी। तो यही चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपना वेट लूज़ करना है तो आप प्रॉपर डाइट फॉलो करिए, एक्सरसाइज फॉलो करिए, डेली रूटीन में करिए। ये नहीं कि आपने दो दिन करा, तीन दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर डेली रूटीन में करिए तो ज़रूर जाएगा, ये विश्वास है मेरा। और मेरा क्योंकि लूज़ हुआ है, थोड़ा हुआ है, अभी स्टार्टिंग है, तो मैं जैसे बीच में दो तीन दिन गैप किया था, तो मैंने ये नहीं कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। डाइट तो फॉलो कर रही थी उस टाइम भी, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके साथ मैं डेली रूटीन में 2 आवर्स वॉक करती थी। एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी तो मैं 2 आवर्स डेली वॉक करती थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपने वेट लूज़ करना है ना, तो आपको पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं एक्सरसाइज के बारे में बता रही हूँ, धीरे धीरे मैं आपको अपनी डाइट के बारे में बताऊँगी कि मैं डाइट में क्या ले रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ और कैसे ले रही हूँ, किस टाइम ले रही हूँ, और सारा चीज़ आपको बताऊँगी। तो आज तो हम एक्सरसाइज करते हैं, चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज छत पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंदर प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करने में। ऊपर थोड़ा खुला एरिया है तो एक्सरसाइज इजी से, आराम से हो जाती है। तो हम चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, तो हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लेंगे मेज़रमेंट। उस दिन मैं मेज़रमेंट लेना भूल गई थी, तो मेज़रमेंट मैंने ले लिया है। मेरा मेज़रमेंट है, स्टार्टिंग चेस्ट है 45, कमर है 36, हिप है 50 और स्लीव्स है 14 और थाई है 31। ओके, तो ये है मेरा मेज़रमेंट। अब देखते हैं कितना लूज़ होता है या नहीं होता, तो आगे देखते रहेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो हम टेरेस पे चलते हैं। ओके, आज लेट हो गए हम वीडियो बनाने में, रात हो गई है, क्योंकि बच्चे आज घर पे नहीं थे। तो ये केशव अभी फ्री हुआ है, अब ये वीडियो बनाएगा मेरी एक्सरसाइज की। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, yeah.
single. Here goes. Tap, 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 tap. Come on, stay strong.
तो हो गई है, अब हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया है तो अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद घर के रूटीन के जो काम होते हैं वो करेंगे और रात को मैं वॉक पे जाऊंगी। अभी दो थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट करूंगी, उसके बाद जो मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ आप लोग तो देख रहे होंगे, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, आप उनको ज़रूर देखिए। और वीडियो में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या मुझे और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रहे हैं तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट्स भी करिए, ठीक है। अगर आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट होती रहूँगी और आगे भी मुझे उत्साह आता रहेगा तो मैं और भी वीडियो बनाती रहूँगी और मेरे को मेरे वेट लूज़ करने में बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। बाय, गुड नाइट।